हाँ, पिछली क्लास में हमने 10th में पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्ट के बारे में, और तुमको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है। जाइलम और फ्लोएम करते हैं। जाइलम के द्वारा रूट से एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल को प्लांट के डिफरेंट पार्टों तक पहुँचाया जाता है, और फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, जो लीफ में भोजन बनता है उसको प्लांट के डिफरेंट पार्टों तक पहुंचाया जाता है। ये काम कौन करता है? फ्लोएम करते हैं। तो ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यू के अंतर्गत आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या का मेन काम क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। और फ्लोएम का काम क्या होता है? कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। एक होता है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? प्लांट के एरियल पार्टों से, लाइक लीफ से वाटर जब वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलता है तब उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। मैंने क्या बताया? लास्ट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट लाइक लीफ, दिस इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। मतलब पत्तियों से जब वाटर वेपर्स के रूप में बाहर निकलता है तब उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और ट्रांसपायरेशन भी एक इसेंशियल प्रोसेस है। जैसे बॉडी क्या रहती है? कूल बनी रहती है, ठंडी बनी रहती है। जैसे अपन लोगों की बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, ब्लड क्या काम करता है? बॉडी को कूल बनाता है। तो प्लांटों में ब्लड नहीं होता है, वाटर सर्कुलेट होता है रूट टू लीफ। तो इसलिए वाटर क्या काम करता है? बॉडी को कूल बनाए रखता है। आज हम लाइफ प्रोसेस में एक्सक्रीशन बढ़ाने जा रहे हैं, एक्सक्रीशन पढ़ाने जा रहे हैं। देखा जाए क्या होता है, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा बहुत सारे टॉक्सिक सबस्टेंस बनते हैं। उन टॉक्सिक सबस्टेंस को बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। मैंने क्या बताया? बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, और उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जो टॉक्सिक भी हो सकते हैं। इन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। अगर लोअर एनिमल्स की बात करते हैं तो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा भी एक्सक्रीशन हो सकता है। अगर जो हम प्लेटिहल मेंथीस की बात करें तो फ्लेम सेल्स के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। अगर जो हम एनिलिडा की बात करें तो नेफ्रिडिया के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। अगर जो हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करें काक्रोच की, तो मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। तो मैंने क्या बताया? अगर प्लेटीहेल मेंथीस फाइलम की बात करें, जैसे टेप वार वगैरह में, उसमें एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है। अगर जो हम एनिलिडा की बात करते हैं, जैसे आर्थवार्म, उसमें एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। अगर हम फाइलम आर्थोपोडा के काक्रोच की बात करते हैं तो मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। और अगर जो हम एनिमल्स की बात करें, हायर एनिमल्स में एक्सटीशन किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा होता है। एक बात और तुम्हें बताएं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पर एक्सक्रीशन होता कितने टाइप का है? चार प्रकार का होता है, याद रखना। एक कौन सा होता है? अमोनोटिलिक होता है। कौन सा एक्सक्रीशन होता है? अमोनोटिलिक होता है। अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है तब उसे क्या कहते हैं? अमोनोटिलिक कहते हैं। और जितने भी एक्सक्रीटरी सबस्टेंस होते हैं, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सबस्टेंस कौन सा होता है? अमोनिया होता है। और अमोनिया मोर सोल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत ज़्यादा सोल्युबल होता है। और अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए
लार्ज अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनिमल जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अमोनोटिलिक कहते हैं। दूसरा कौन सा है, यूरियोटिलिक। यूरियोटिलिक क्या होता है, इसके अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यूरियोटिलिक कहते हैं। अमोनिया के कंपेयर में यूरिया लेस टॉक्सिक होती है और कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और यूरिया का कौन कौन एक्सक्रीशन करता है, सारे मैमल्स करते हैं। मैमल्स के फीचर्स तुमको मैंने बताया है, जिनमें भी ये पिन्ना पाया जाता है वो मैमल्स में आता है, जिनमें भी मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो मैमल्स में आते हैं, जिनके बॉडी पर हेयर्स पाए जाते हैं वो सारे मैमल्स में आते हैं। तो हम देख कर पहचान सकते हैं कि ये एनिमल मैमल्स में आता है या नहीं आता है। तो यूरिया का एक्सक्रीशन कौन करता है, मैमल्स करते हैं। एम्फीबियंस करते हैं, एम्फीबियंस में फ्रॉग आता है, आर्थवार्म करता है। तो ये किसका एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। और जो एनिमल यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यूरिकोटिलिक कहते हैं। तो जो एनिमल यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यूरिकोटिलिक कहते हैं। क्या कहेंगे, यूरिकोटिलिक कहते हैं। और यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के लिए लीस्ट अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत कम मात्रा में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होती है। और यूरिक एसिड का कौन एक्सक्रीशन करता है, जैसे टेरिस्ट्रियल रेप्टाइल्स करते हैं, बर्ड्स करती हैं और इंसेक्ट करते हैं, ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। और जनरली इसलिए करते हैं जैसे वाटर का लॉस बॉडी से अधिकतम न हो, बॉडी के अंदर वाटर कंजर्व बना रहे। और एक और होते हैं जिन्हें यूरिकोटिलिक कहते हैं। देखिए यूरियोटिलिक अलग है और यूरिकोटिलिक अलग है। यूरिकोटिलिक में क्या आते हैं, वो एनिमल आते हैं जो अमीनो एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। नहीं है, अमीनिकोटिलिक क्या कहलाता है, अमीनिकोटिलिक। मतलब इसके अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अमीनो एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं, जैसे स्टारफिश होता है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पर एक्सक्रीशन चार प्रकार का है। एक कौन सा है, अमोनोटिलिक, दूसरा अमीनिकोटिलिक, तीसरा यूरियोटिलिक और नेक्स्ट यूरिकोटिलिक। अमोनोटिलिक में मैंने क्या बताया, इसमें अमीनो एसिड का एक्सक्रीशन किया जाता है। अमीनिकोटिलिक के अंतर्गत मैंने बताया इसमें अमीनो एसिड का एक्सक्रीशन किया जाता है। यूरियोटिलिक में मैंने बताया इसमें यूरिया का एक्सक्रीशन किया जाता है। और यूरिकोटिलिक में मैंने बताया इसमें यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन किया जाता है। और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन होता है, अमोनिया होता है। और सबसे लीस्ट टॉक्सिक कौन होता है, यूरिक एसिड होता है। और अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए लार्ज अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के लिए लीस्ट अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखा जाए एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन की बात करें, अगर जो हम ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम बताएं तो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम कितने पार्टों से मिलकर बना होता है, तो एक तो होती है क्या, किडनी। इस प्रकार से एक किडनी होती है, तो ये मैंने बना दिया किडनी, थोड़ा ऊपर से बनाए, एक मिनट, ये मैं बना रहा हूँ किडनी, यहाँ से बना रहा हूँ। इस प्रकार से किडनी कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है और ये सेम के बीज के आकार की होती है। इस प्रकार से ये किडनी होती है और पेल्विक रीजन में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, पेल्विक रीजन में पाई जाती है। और वन पेयर होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है।
अब देखा जाए क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से यूरिनरी ब्लेडर होता है। ये क्या होता है, यूरिनरी ब्लेडर होता है, और यूरिनरी ब्लेडर नीचे की तरफ पतला होकर के क्या बनाता है, यूरेथ्रा बनाता है। तो इस प्रकार से यहाँ से ये क्या निकलती है, यूरेटर निकलती है। इस प्रकार से ये यूरेटर निकलती है जो यूरिनरी ब्लेडर में आकर ओपन होती है। तो यहाँ से भी इस प्रकार से ये यूरेटर निकलती है और जो यूरिनरी ब्लेडर में आकर के ओपन होती है। तो पहले तो इतनी लेबलिंग कर लें तो देखा जाए क्या क्या है। ये शायद तुमने कुछ समझा होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। ये क्या कहलाती है, किडनी कहलाती है, किडनी कहलाती है, ये किडनी कहलाती है। दूसरी बात देखा जाए तो ये तो मैंने कहा ये क्या होती है, किडनी कहलाती है, किडनी। इसे क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं, यूरेटर, यूरेटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लेडर कहते हैं, यूरिनरी ब्लेडर, ब्लेडर कहलाता है। और इसे क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। इसमें यूरिन क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और बताएंगे यूरिन कैसे बनता है आगे चल करके बताएंगे। यहाँ पर क्या होता है, रेनल आर्टरी ब्लड को इसके अंदर लाती है। इसे क्या कहते हैं, रेनल आर्टरी कहते हैं, ये कहलाती है रेनल आर्टरी, आर्टरी कहलाती है। इस प्रकार से रेनल आर्टरी ब्लड को आर्टरी के अंदर ले जाती है। तो इसे हमने कह दिया रेनल आर्टरी। और रेनल वेन जो होती है, किडनी से ब्लड को बाहर लाती है। इस प्रकार से ये रेनल वेन मैंने बना दिया। तो रेनल वेन ब्लड को किडनी से बाहर ला रही है। इस प्रकार से ये बाहर लाती है, यहाँ पर ये मैंने बना दिया। तो इसे क्या कहते हैं, रेनल वेन कहते हैं। तो ये क्या कहलाती है, रेनल वेन कहलाती है, रेनल वेन कहलाती है। अगर तुमसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो आगे चल करके कंपटीशन में जनरली पूछा जाता है कि किस वेन में यूरिया की मात्रा सबसे कम होती है, तो रेनल वेन में यूरिया की मात्रा सबसे कम होती है और हिपैटिक वेन में यूरिया की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तुम्हें याद रखना है रेनल वेन में यूरिया की मात्रा सबसे कम होती है और हिपैटिक वेन में यूरिया की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ये दो बातें तुम्हें याद रखना है। और यूरिया का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, लीवर में होता है, और यूरिन का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, किडनी में होता है। कैसे यूरिन का प्रोडक्शन होता है आगे की क्लासों में हम तुम्हें बताएंगे। दूसरी बात देखा जाए, अपन लोगों की लेफ्ट किडनी कुछ ऊपर होती है और राइट किडनी कुछ नीचे होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि राइट साइड में लीवर लोकेटेड होता है। तो ह्यूमन की हम बात करते हैं तो ह्यूमन में लेफ्ट किडनी कुछ ऊपर होती है और राइट किडनी कुछ नीचे होती है। राइट किडनी क्यों नीचे होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीवर। और लीवर क्या होती है, बॉडी की बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। लीवर क्या है, बॉडी की बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। ये बातें तुम्हें याद रखना है। तो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम कितने पार्टों से मिलकर बना होता है, वन पेयर किडनी होती है। कितनी है, वन पेयर किडनी होती है। वन पेयर यूरेटर होता है, कितना है, वन पेयर यूरेटर होता है। सिंगल यूरिनरी ब्लेडर होता है और सिंगल यूरेथ्रा होता है। यूरिनरी ब्लेडर के अंदर यूरिन को स्टोर किया जाता है। किडनी में यूरिन बनता है, कैसे बनता है वो आगे बताएंगे। और यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लेडर के अंदर यूरिन को स्टोर किया जाता है। और यूरिनरी ब्लेडर का जो लोअर पोर्शन होता है थिन होता है और ये फीमेल में काफ़ी छोटा होता है, मेल में इलोंगेट होता है,
पेनिस के टॉप पर खुलता जा करके है और यूरिन को बाहर निकाला जाता है। तो ये सब के बारे में बताएंगे। और दूसरी बात तो बताएं, किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती हैं? नेफ्रान कहलाती हैं। नेफ्रान का ही दूसरा नाम क्या होता है? यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स कहलाती हैं। तो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है? नेफ्रान कहो चाहे यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स कहो, दोनों बातें एक होती हैं। तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए, हम लिखा रहे हैं तुम्हें, थोड़ा सा नोट कर लेना। द मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज किडनी। द मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज किडनी। इट इज रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। लोकेटेड टुवर्ड द बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। वन ऑन ईस्ट साइड ऑफ द बैकबोन। द लेफ्ट किडनी इज प्लेस्ड अ लिटिल हायर देन द राइट किडनी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीवर। अब देखा जाए क्या होता है किडनी कहाँ पर, थोड़ा सा और समझ लीजिए। एक किडनी यहाँ पर पाई जाती है, एक किडनी यहाँ पर। सेंटर में क्या है? बैकबोन। तो बैकबोन के साइड में एक किडनी इधर है, एक किडनी ये है, वन पेयर होती है। रेडिश ब्राउन कलर की होती है और बीन शेप्ड होती है, सेम के बीज के आकार की होती हैं। तो और लेफ्ट किडनी कुछ ऊपर होती है, राइट किडनी कुछ नीचे होती है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीवर। और लीवर क्या होती है? बॉडी की बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और लीवर के अंदर यूरिया का प्रोडक्शन होता है और किडनी के अंदर यूरिन का प्रोडक्शन होता है। तो आज इतना रखिए, फिर अगली क्लास में आगे बताएंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। खुद पढ़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए, उनका भी भला हो, तभी अपना भला होगा। बेस्ट ऑफ लक। ओके।